Hello everyone, myself Richa Ratnam and I have secured 274th rank in Civil Service Examination 2019 and I am being a student of Forum IAS Academy. तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे कि जो मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया इसमें मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी. मेरी स्ट्रैटेजी मैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों के लिए आपसे शेयर करना चाहूँगी. चूँकि मैंने ये एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में दिया था इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं ये हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये बता सकूँ कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो भी वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो कैसे उससे ओवरकम करें. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से. प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का, एक सीसैट का. जनरल स्टडीज में जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब के अलावा करंट अफेयर्स से आते हैं. तो सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए जो हमें बेसिक जो हमारी पढ़ाई शुरू करनी है हमें, सो वी हैव टू स्टिक टू द एनसीईआरटीज. तो हमें सबसे पहले जो है वो एनसीईआरटीज कंप्लीट करने होंगे. एनसीईआरटी के बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है. तो मैंने पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ा था और मैंने उसी किताब को मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था. तो इंस्टेड ऑफ कि आप अपने सोर्सेज बहुत बढ़ाएं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने सोर्सेज को लिमिट करें क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जामिनेशन का फेज है जहाँ पे एवरीथिंग विच इज़ अंडर द सन वो क्वेश्चन में आ जाता है. तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने सोर्सेज को लिमिट करें, रिसोर्सेज को. तो मैंने पॉलिटी के लिए सिर्फ सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ा था. ठीक उसी तरह से जो मेरा करंट अफेयर्स का सेक्शन था उसके लिए मैं हर रोज़ एक न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, द हिंदू. और इसके अलावा जो भी और मुझे करंट अफेयर्स कुछ पढ़ना होता था तो मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक मंथली वीकली एक मंथली जो मैगजीन आता है या जो उनका करंट अफेयर्स का आता है बुलेटिन वो पढ़ा करती थी. इसके अलावा हिंदी मीडियम में सीसैट को लेके बहुत सारा डर है. लोगों को लगता है कि सीसैट जो है वो हिंदी मीडियम के लिए डिसएडवांटेज है या ऐसा कुछ है. चूँकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है तो मुझे सीसैट के पेपर में ऐसे पर्सनली कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई. लेकिन इसके अलावा मैं बाकी के छात्रों से भी ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सीसैट जो है वो बहुत मुश्किल है या बहुत इसमें बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सीसैट के लिए अगर हम मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन जैसे क्वांट्स हो गए और इसके अलावा अगर हम रीजनिंग बना लें और जो कॉम्प्रिहेंशन आता है तो इन सब ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं. तो इम्पॉर्टेंट ये होगा कि एग्ज़ाम के अगर 60 डेज पहले से भी आप सीसैट के लिए 2 घंटे निकालते हैं और इस 2 घंटे में आप सीसैट के जो पहले के यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो और इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हो गए या फिर अगर आप किसी कोचिंग का मटेरियल बनाना चाहते हैं तो वो अगर आप रेगुलरली बनाते हैं तो वो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है. क्योंकि इसमें कोई कट ऑफ नहीं क्रॉस करना, हमें एक पासिंग मार्क्स ही लेके आने हैं. तो इसलिए हम इतने मार्क्स इतनी मेहनत से ला सकते हैं ऐसा मुझे लगता है. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि प्रीलिम्स का जो पेपर आता है, जैसे इस बार जो 2019 का क्वेश्चन पेपर था वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द टफेस्ट था. तो एग्ज़ाम हॉल में जब मैंने भी उस पेपर को देखा तो मुझे लगा कि मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने नहीं सुना होगा. तो वैसे टाइम पे अपने आप को जब आप नर्वस हो तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को बैक करें. तो मैंने भी अपने आप को पेपर में बैक किया कि अगर मुझे नहीं आता तो अगर मुझे ये पेपर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो दूसरों को भी ये पेपर डिफ़िकल्ट लग रहा होगा. और इसके बाद सिर्फ ऐसे अराउंड 40 क्वेश्चन ही थे जो मैंने वन गो में बनाए थे. उसके बाद से क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे लगभग 2 ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन था. तो मैंने वहाँ पे इंटेलिजेंट गेसिंग जो है वो किया. और ये जो भी इंटेलिजेंट गेसिंग है या जो भी आप कहें कि आपको एक आवाज़ आती है कॉन्शाइंस से कि मतलब ये ऑप्शन सही लग रहा है या क्लिक कर जाता है, तो ये जो स्किल है ये डेवलप होता है. और ये स्किल डेवलप होता है हमारा जब हम बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है वो देते हैं.
जैसे मैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के 45 डेज पहले से हर रोज़ एक मॉक टेस्ट देती ही देती थी, तो उससे ये हुआ कि मेरी ये एबिलिटी जो है वो डेवलप हो गई और मैंने अपने आप को 100 क्वेश्चंस करने के जगह 80 क्वेश्चंस के अराउंड अपने आप को लिमिट किया और फिर उसके बाद से मैंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया। तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के दें, इसलिए दें क्योंकि जब आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका जो एक कम्फर्ट लेवल होता है वो टूटता है, आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको ये पता चलता है कि मेरी तैयारी जो है वो कितनी अच्छी है, कितनी गहरी है। तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें प्रीलिम्स के लिए। अब बात करते हैं मेंस की। तो सबसे पहले मेंस के लिए, मेंस का जो पेपर है वो अगर हम देखें ध्यान से तो हाल के दिनों में उसमें स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक पोर्शंस दोनों ही पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम जो अपने प्रीलिम्स के लिए जो बुक्स पढ़ें उसको साथ में लेते हुए हम करंट अफेयर के सेक्शंस को भी साथ में लेकर चलें। तो इस मेंस में मैंने जो मेरा जो भी डायनेमिक सेक्शन था उसके लिए मैंने फोरम आई एस का करंट अफेयर क्लासेस जो है वो अटेंड किए थे एंड दे हेल्प मी रियली, बहुत हेल्प किया उन्होंने मेरा। और इसके साथ ही मुझे ये भी यहाँ पे पता चला कि मेरी जो आंसर राइटिंग, क्योंकि इसके पहले भी मैंने मेंस लिखा हुआ था तो मुझे ये पता चला कि जो मेरी आंसर राइटिंग थी वो उसमें बहुत सारी कमियाँ थी और मैंने उन कमियों को काफ़ी इम्प्रूव किया और शायद उसी का परिणाम है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो पाया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंसर राइटिंग क्यों। तो आंसर राइटिंग इज़ द की, आपको आंसर राइटिंग डेडिकेटिवली करना होगा क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में जो हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं और हमारे पास सिर्फ 180 मिनट्स होते हैं इन 20 क्वेश्चंस को करने के लिए। और अभी जैसे हम पेपर का पैटर्न देखें, जो इस साल का मेंस का पेपर था उसमें क्वेश्चंस ऐसे थे कि एक बार में क्लिक नहीं हो रहे थे। तो पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर उनको तोड़ना है और फिर लिखना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसा करती थी कि मैंने फोरम आईएएस का मेंटर गाइडेंस प्रोग्राम लिया था तो उसमें मैंने ऑलरेडी मेरी आंसर राइटिंग की मैंने प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा प्रीलिम्स से मेंस के बीच में मैं हर रोज़ लगभग एक घंटे लिखा करती थी, एक घंटे में 7 या 8 क्वेश्चंस, ताकि मेरा जो स्पीड है वो डेवलप हो सके कि मैं मेंस के पेपर के टाइम पे जो है मेरा कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। इसके बाद आती है आंसर राइटिंग में कि हमारा आंसर होना कैसा चाहिए, आंसर की क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी मीडियम में जो सबसे बड़ी चुनौती हाल के दिनों में है, जो मेरे अनुसार लगती है, वो है कि हमारे पास जो कंटेंट है हिंदी मीडियम में वो बहुत क्वालिटी में नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे द हिंदू पेपर है तो उस तरह का पेपर हमें इंग्लिश में नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या रहती है हिंदी मीडियम में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी सबसे कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने को लिमिट ना करें। हम अगर अच्छा कंटेंट हमें किसी भी अगर इंग्लिश में भी मिल रहा है तो हमें वहाँ से भी उसे पढ़ना चाहिए और उसे अपने आंसर में इनकलकेट करना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें आंसर्स को लिखना कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरीके से आंसर आप GS2 में लिखिएगा, GS3 में आपको अलग तरीके से शुरुआत करनी होगी। मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस साल GS2 में एक सवाल था कि जो भी हमारे सांसद हैं, जो उनकी जो एज अ विधि निर्माता जो उनकी भूमिका है वो जो है वो हाल के दिनों में कम हो गई है, घट गई है, तो ऐसा क्यों? तो मैंने इस क्वेश्चन में जो भी आर्ग्यूमेंट्स पुट किए थे उसमें मैंने जैसे हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो दल बदल कानून है हमारा, उसके बाद से ये हो गया है कि वो अपने पार्टी के खिलाफ संसद में उनके अगेंस्ट अपना मत नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये उनकी उस इंडिविजुअल जो उनकी सांसद की भूमिका है उसको लिमिट करता है। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आपको पुट करने होंगे बेहतर। और इसके बाद से जो मैंने इस क्वेश्चन को एंड किया था तो मैंने कुछ सजेशंस तो दिए ही थे वे फॉरवर्ड, जैसे कि ब्रिटेन या कनाडा या कहीं का भी आप एक
एग्जाम्पल पुट ऑन कर सकते हैं। और जब मैंने कॉन्क्लूजन दिया था उसमें मैंने ब्रिटेन के बहुत फेमस पार्लियामेंटेरियन थे एडमंड बर्क, मैंने एडमंड बर्क का एक कोट लिखा था कि जो भी लॉ मेकर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करे और अपना मत रखे, ना कि अपनी पार्टी का मत रखे। और इसके साथ मैंने इसको कंक्लूड कर दिया था। तो ये हुआ GS2 का। GS3 में अगर हम बात करें तो GS3 में जैसे इस बार हमारा एक क्वेश्चन था इंक्लूसिव ग्रोथ पे, कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव के साथ सस्टेनेबल भी होना चाहिए। इस क्वेश्चन में मैंने जो हमारा एक हमारा जो इंक्लूसिव इंडेक्स है जो पब्लिश होता है, मैंने उसके कंटेंट्स को लिखा था कि सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट के वाइज ही नहीं सस्टेनेबल होना चाहिए बल्कि फिस्कल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। फिस्कल सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? कि इससे ये होगा कि हमारा हमारी जो भी सरकार जो भी फिस्कल डेफिसिट होता है वो उसका इतना कभी ना ज़्यादा कभी इतना ज़्यादा ना बढ़े कि वो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए एक बर्डन बन जाए। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो GS2 में जहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी रिलेवेंट आर्टिकल्स होंगे वो लिखना होगा अपने क्वेश्चन में, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होंगे इम्पॉर्टेंट वो लिखना होगा आपको, और साथ में आपको वे फॉरवर्ड में कुछ जो कमिटीज़ हैं आप उनके रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं, कमिटीज़ के रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, साथ ही बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और एट द एंड ऑफ कंक्लूजन में कोई कोट लिख सकते हैं जो भी रिलेवेंट कोट है, चाहे वो BR अम्बेडकर का हो या किसी का भी हो। ठीक वैसे GS3 में आपको अपनी बातों को फैक्ट्स के थ्रू सब्सटेंशिएट करना होता है। फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सुना है देखा भी है बहुत बार कि हिंदी मीडियम में बहुत सारे लोग लिखते हैं रिथोरिक आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पुट करते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। मेरा ये कहना है कि आप आर्ग्यूमेंट्स अपने रिथोरिक पुट मत करिए, उसको सब्सटेंशिएट करिए किसी फैक्ट्स के थ्रू या किसी जो भी आपको लगता है किसी ने जजमेंट दिया है उसके थ्रू या किसी बहुत फेमस पर्सनैलिटी ने कहा है उसके थ्रू, तो आप उसे सब्सटेंशिएट कीजिए। कुछ भी पेपर में अपना मत लिखिए, ठीक है? और अगर जहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो वहाँ पे ग्राफ्स बनाइए, जैसे मैंने इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चन में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बनाया था, और आप डायग्राम बनाइए। इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन में हम डायग्राम्स बना सकते हैं। साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये नहीं कि हम हर क्वेश्चन में डायग्राम पुट करें, मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं काफ़ी परेशान थी और मैंने आयुष सर को पूछा भी था कि सर मैं क्या मैं हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है क्या नंबर लाने के लिए, तो सर ने बोला नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना, जहाँ तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे वहीं पर डायग्राम बनाना। तो मैंने मेरे हिसाब से हर पेपर में मैंने 4 या 5 ऐसे क्वेश्चंस होते थे जहाँ मुझे लगता था कि डायग्राम्स बनाने हैं, तो मैं वहाँ पर डायग्राम्स बनाती थी। मैंने अननेसेसरी किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम को पुट नहीं किया। इसके बाद हम बात करते हैं एसे की, क्योंकि मुझे लगता है कि एसे जो है एक बहुत स्कोरिंग पेपर है, और अगर हम अपना एसे अच्छे से प्रिपेयर करें तो मुझे लगता है कि हमें इस पेपर में ऑन एन एवरेज 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं हम, ऐसा मेरा मानना है। इसके पहले भी जब मैंने मेंस लिखा था तो मेरे एसे में अच्छे स्कोर आए थे। तो एसे के पेपर को डीकंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको कोई बहुत अलग से पढ़ाई नहीं करनी होती। हम अपने जनरल स्टडीज़ के लिए जो भी पढ़ाई करते हैं वो इससे के लिए होता है, सफिशियंट होता है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे बुक्स पब्लिश होते हैं तो आप उनका जो है वो रिव्यू पढ़ सकते हैं और वहाँ से कुछ आर्ग्यूमेंट्स उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ किताबें हैं जो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में आपको आसान जो है वो एक आसानी से समझा पाती है। जैसे मैंने एक किताब पढ़ी थी अमर्त्य सेन और ज्ञान द्रेज की, ये हिंदी में पढ़ी थी मैंने, इंडिया पे है, विरोधाभास, भारत और एक विरोधाभास करके। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, जैसे यूएल हरारी की पढ़ी थी होमो सेपियंस और वाई नेशन फेल्स, एक मैंने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, इन बुक्स से बेसिकली होता ये है कि जैसे कि डेमोक्रेसी है
डेमोक्रेसी का मैटर हो गया या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ हुआ, तो आप जो है आप इन टॉपिक्स पे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पुट कर सकते हैं, वाई नेशन फेल से कोई एनेक्डोट उठा के या फिर कोई एग्जांपल डाल सकते हैं आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अमर सेन और जानदरेज की जो बुक है उसमें जो हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉवर्टी है, इन सब मुद्दों को बहुत अच्छे से समझा के रखा है। ये समझा के रखा है कि क्या डिफरेंस है साउथ के स्टेट्स में और नॉर्थ के स्टेट्स में, क्यों क्यों दक्षिण के राज्यों में जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनकी डिलीवरी बेहतर है हमारे उत्तर के राज्यों की तुलना में। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आप अपने एसे में डालेंगे तो आपका एसे और इनरीच होता है। इसके अलावा आप कोट्स उठा सकते हैं, आप जो न्यूज़पेपर में एग्जांपल्स आते हैं आप वो उठा सकते हैं, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एसे हो वो बहुत क्रिस्प हो और कॉन्साइज हो और बहुत अपने मुद्दे से जो भी टॉपिक है आप उससे ना भटके। साथ में जो चल जो हर टॉपर ये कहते हैं कि आपको डिफरेंट डायमेंशंस में तोड़ना होता है, तो जैसे आप चाहे तो उसको हॉरिजॉन्टली तोड़े, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल 2017 में जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऐसे आया था उसको मैंने हॉरिजॉन्टल तोड़ने की जगह वर्टिकली तोड़ा था। मतलब मैं कृषि में गई और उसमें जो भी इशूज़ है कि कृषि में क्या क्या इशूज़ थे, तो सबसे पहले इनपुट का इशू है, उसके बाद से बाजार नहीं है, मार्केट इश्यूज है, फिर उसके बाद से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इशू है, मार्केट एक्सेस नहीं है किसानों को, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है। इस तरीके से मैंने उसे तोड़ा था। इस बार जो ऐसे आया था, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोजगार के संबंध में वो क्या एक वरदान है या फिर अभिशाप, तो वो उस चीज़ को मैंने फिर वहाँ पे मैंने वाई नेशन फेल से एक एनेक्डोट लिखा था, एक विलियम ली का था कि विलियम ली ने जब लंदन में आविष्कार किया था स्पिनिंग, एक्चुअली मैं भूल रही हूँ, तो उसका था कि बेसिकली उनके आविष्कार से ये हुआ कि एक तरह का क्रिएटिव डिसरप्शन हो गया, होने का खतरा था। क्रिएटिव डिसरप्शन का मतलब ये कि उन्होंने जिस चीज़ का आविष्कार किया उससे आप कपड़े जल्दी बना सकते थे, स्वेटर जल्दी बुन सकते थे, तो अगर ऐसा होता तो फिर जो लोग हाथ से बुनते थे वो मशीन के थ्रू बुनेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो जो हाथ के थ्रू बुनेंगे उनका जो है वो रोजगार छिन जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्रिएटिव डिसरप्शन होता जो अल्टीमेटली सोसाइटी को प्रॉब्लम करता और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो है जो भी सुपरमेसी है जो भी आपकी सरकार है उसको इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ से उठाते हुए फिर मैंने यूएल हरारी को कोट किया कि वो भी यही कहते हैं कि जो एआई जो है वो इसी तरह का डिसरप्शन जो है वो करेगा सोसाइटी में, और इसलिए जो है हमें इसे हर तरीके से इसके पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स को देखते हुए इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरीके से मैंने फिर अपने ऐसे को खोला था। अब डिस्कस करते हैं कि मेरे अपनी ऑप्शनल जो है हिस्ट्री उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी थी। चूंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था और हिस्ट्री जो है एक हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, तो इसलिए मुझे मैंने जो है वो बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक जो है वो पढ़ा हिस्ट्री के लिए, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा मैंने, और साथ में जहाँ भी मुझे लगता था कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से नहीं समझ में आ रहा या नहीं मिल रहा वहाँ मैं इग्नू के रिसोर्सेज को पढ़ा करती थी या फिर यूट्यूब पे जो लेक्चर हैं इग्नू के वो देखा करती थी रिलेटेड रिलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मुझे अगर सातवाहन किंग्स के बारे में उनकी पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है तो मैंने ये यहाँ से उठाया था। हिस्ट्री में हिंदी में कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट है अवेलेबल बहुत अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हिस्ट्री में जो हमें आंसर राइटिंग करनी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट जो हिस्टोरियोग्राफी हैं वो पता हो,
मतलब कि आपको अपनी स्किल को ऐसे डेवलप करना होगा कि आप जब क्वेश्चन देखें तो आपको पता हो कि अच्छा ये जो क्वेश्चन है वो एक नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन का व्यू है और फिर वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो किसी जो जो कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं जो उन उन हिस्टोरियंस का व्यू है और ये उस पे उस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय क्वेश्चन पढ़ें और वो प्रैक्टिस इस तरह से करें कि आपको पता हो कि हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड, किस हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और किस तरीके से मुझे इसे आंसर करना है। आई गेस ये बहुत वर्क करता है हिस्ट्री के क्वेश्चंस में को सॉल्व करने में सही तरीके से। और इसके अलावा आप जो है वो मॉक टेस्ट दीजिए हिस्ट्री के लिए, मैंने भी बहुत मॉक टेस्ट दिए थे। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो मैं इस हिस्ट्री में भी मैं लगभग रोज किया करती थी। रात में सोने के पहले मैं अपने ऑप्शनल के 5 क्वेश्चंस लिख के ही सोया करती थी। उससे ये होता है कि आप मतलब ऑप्शनल एक ऐसा पेपर होता है जहाँ पे आप आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ओ मुझे ये पढ़ना है, आपको ये लगना चाहिए कि अरे ये मेरा ऑप्शनल है, ये तो मेरा स्ट्रेंथ है तो मुझे ये पढ़ना है और मुझे इसका आंसर लिखना है और फिर उसके बाद मुझे सोना है। तो ये एक चीज़ है जो मैंने अपनी तैयारी में शामिल की थी। और थैंक यू वेरी मच।